शिवांगी जोशी टीवी की सबसे खूबसूरत अदाकारा है, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा बनकर अपनी हर एक अदायगी से सभी को अपना दीवाना बनाया। इसीलिए तो फैंस से लेकर टीवी की कई बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी फ्रेंड बनना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शिवांगी जोशी जैसी खुशनुमा एक्ट्रेस के जहाँ सभी फैंस और एक्ट्रेसेस इनकी फ्रेंड बनना चाहती हैं, वही टीवी के चार हैंडसम अभिनेता ऐसे हैं जो इनके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में पनाह देने की तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। तो आखिरकार कौन कौन से हैं वो अभिनेता, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर वन, रणदीप रॉय। भले ही बालिका वधू सीजन 2 सीरियल में इन दिनों शिवांगी जोशी के साथ काम कर रहे अभिनेता रणदीप रॉय इनके बेस्ट फ्रेंड आनंद की भूमिका अदा कर रहे हैं, मगर असल जिंदगी में वो शिवांगी जोशी के बॉयफ्रेंड बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिवांगी के साथ रहकर इनकी आदत हो गई है और अब वो इन्हें खोना नहीं चाहते। इसलिए चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएं ताकि जीवन भर इनके साथ रह सकें। नंबर टू, स्टेबिन बैन। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के लिए लेकर आए बारिश एल्बम सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर स्टेबिन बैन भी शिवांगी जोशी के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, क्योंकि वह शिवांगी की खूबसूरती पर मरते हैं और उनका मानना है कि शिवांगी को भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, क्योंकि इनके जैसा कोई नहीं है। नंबर थ्री, रोहित सुचांती। भाग्यलक्ष्मी सीरियल में इन दिनों जमकर अपना कमाल दिखा रहे अभिनेता रोहित सुचांती भी शिवांगी जोशी के बॉयफ्रेंड बनने का ख्वाब इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें शिवांगी जोशी की हर खूबियां बहुत अच्छी लगती हैं। इनका नेचर, इनका पहनावा और सभी की रिस्पेक्ट करने जैसी अच्छाइयों को देख वो इन पर फिदा हैं। नंबर फोर, समृद्ध बाबा। अभिनेता रणदीप रॉय की तरह समृद्ध बाबा जो इन दिनों शिवांगी जोशी के साथ बालिका वधू सीजन 2 में इनके पति के रूप में नजर आ रहे हैं, वो भी शिवांगी के बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं ताकि इन्हें भी शिवांगी जोशी की तरह ज्यादा फेम मिले और ये भी लाइमलाइट बटोरें। वेल दोस्तों, आप शिवांगी जोशी के बॉयफ्रेंड के रूप में इन अभिनेताओं में से किसे देखना चाहते हैं? आप हमें उस अभिनेता का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।